जबलपुर के माड़ोताल थाना इलाके में श्रीराम महायज्ञ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और यज्ञ समिति के सदस्यों के बीच विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है। मारपीट के इस मामले में बुधवार को भाजपा नेताओं ने एसपी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मारपीट करने वाले युवक राहुल यादव और उसके साथियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। दूसरी तरफ यज्ञ समिति सदस्य राहुल यादव और उसके साथियों के समर्थन में एसपी कार्यालय पहुंचे। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करने की मांग की। 18 दिसंबर को भाजपा के पूर्व जिला ग्रामीण अध्यक्ष शिव पटेल और उनके बेटे अतुल पटेल का समिति सदस्यों से कार के अंदर ले जाने को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, लात घूंसे बरसाए गए, एक दूसरे के साथ मारपीट के वीडियो भी वायरल हुए। क्या था कि कलश यात्रा थी, गुरु जी का निकलना हुआ था, शिव पटेल जी आए और उनके बालक गाली गलौज करने लगे, नहीं मेरी गाड़ी वहाँ रामकथा तक जाएगी। मैंने उनसे बोला कि भैया गाड़ी नहीं जाएगी, गुरु जी का आगमन हो रहा है। लगभग काफ़ी समय तक बातचीत हुई, गाली गलौज करने लगे शिव पटेल के बालक और शिव पटेल मारने पीटने लगे। हमने बहुत समझाने की कोशिश की। दोनों की जो कार्रवाइयाँ हैं या परीक्षण है वो CSP गढ़ा के द्वारा CSP माड़ोताल के द्वारा की जाएगी और कुछ जैसा भी होगा वैसा हम कर लेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि वहाँ क्षेत्र में शांति रहे और दोनों पक्ष जो है सौहार्द से रहें।